पेट्रोल पंप बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है। अगर आप एक सही जगह पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की 3 सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां अगले 3 साल में 50,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप खोलने जा रही हैं। इनमें 25,000 आउटलेट्स अकेले देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC खोलेगी, जबकि बाकी के आउटलेट्स BPCL और HPCL खोलेगी। कई लोग पेट्रोल पंप खोलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पेट्रोल पंप खोलने की पूरी प्रोसेस क्या है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, व्यापार मंच में आपका स्वागत है। इसी तरह बिजनेस आइडियाज से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को। दोस्तों, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अगले 3 साल में अपने रिटेल नेटवर्क को दुगना करने वाला है। कंपनी के पास अभी 27,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, जिसे वह अगले 3 सालों में बढ़ाकर 52,000 करेगी, यानी अगले 3 साल में IOC 25,000 पेट्रोल पंप खोलेगी। इस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बावजूद देश की सबसे बड़ी ईंधन विक्रेता इंडियन ऑयल के पास बाजार की करीब 44% हिस्सेदारी है। आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मालिक बनने के लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है, साथ ही आपकी उम्र 21 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए जमीन। पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास जमीन होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन आपकी खुद की नहीं है तो आपको जमीन के मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। आप अपने परिवार के किसी सदस्य की जमीन को लेकर भी पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए भी आपको एक NOC और एफिडेविट बनवाना होगा। लीज पर ली गई जमीन के लिए लीज एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, साथ ही रजिस्टर्ड सेल डीड या लीज डीड भी होनी चाहिए। आपकी जो जमीन है वो ग्रीन बेल्ट में नहीं होनी चाहिए। जमीन अगर कृषि भूमि में आती है तो आपको उसका कन्वर्जन कराना होगा और उसे गैर कृषि भूमि में लाना होगा। आपके पास जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स और नक्शा होना चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने में खर्चा कितना आता है। पेट्रोल पंप खोलने में जो खर्च है वो जगह और पेट्रोलियम कंपनी पर डिपेंड करता है। देश में ग्रामीण और शहरी दो तरह के पेट्रोल पंप होते हैं, इसी प्रकार से इन्हें खोलने का खर्च भी गांव और शहर के हिसाब से अलग अलग होता है। प्रॉपर्टी के खर्च को हटाकर अगर देखा जाए तो गांव में पेट्रोल पंप लगाने की लागत करीब करीब 12 लाख रुपए और रेगुलर यानी शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने की लागत करीब करीब 25 लाख रुपए आती है। हालांकि जगह के हिसाब से यह लागत डिफरेंट भी हो सकती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे करें अप्लाई। पेट्रोलियम कंपनियां अखबार और वेबसाइट पर विज्ञापन देती हैं कि उन्हें इस जगह पर पेट्रोल पंप खोलना है। अगर आपकी जमीन भी उसी जगह या उसके आसपास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की वेबसाइट पर ऑप्शन मौजूद रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना खुद का पेट्रोल पंप खोल के एक अच्छी खासी मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।